Hey, what's up guys, this is Vivek back again with another video and you are watching Hello Educated. I mean Hello Educated. So in the last video we learnt elements of C. तो elements of C में हमने देखा कि कैसे हम एक C के कोड को राइट करेंगे, किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, अल्फावेट्स, नोमेरिक और भी बहुत सारी चीज़ें थी, डेटा टाइप, इंटीजर, जो आपने आई होप सीख लिए होंगे. तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ C. एक हम पहला प्रोग्राम बनाएंगे जिसे हम डिस्प्ले कराएंगे अपनी आउटपुट स्क्रीन पे, वेलकम टू सी लैंग्वेज. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं. तो हम सबसे पहले अगर एक प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, ठीक है, किन किन चीज़ों की नीड है हमें एक सिंपल से प्रोग्राम को बनाने के लिए, जिसमें सिर्फ लिखा होगा हेलो एजुकेटेड या फिर वेलकम टू सी लैंग्वेज. ओके, तो चलिए. सो सबसे जो पहली चीज़ है वो है हेडर फाइल. ठीक है, हेडर फाइल को सबसे पहले हम इंक्लूड करते हैं, तो लिखेंगे हैज इंक्लूड, ठीक है, और स्टूडियो डॉट एच. ओके, और उसके बाद में एक और फाइल इंक्लूड करेंगे, हैज इंक्लूड कॉनियो डॉट एच. ठीक है, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, प्रोग्राम सी का हमेशा स्टार्ट होता है मैन से. ठीक है, तो यहाँ पे हम वर्ड मैन लिख सकते हैं. ठीक है, वर्ड मैन के ये कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और जस्ट यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, बस एक प्रिंटिफ लगाएंगे, प्रिंटिफ, और यहाँ पे लगाएंगे वेलकम टू सी लैंग्वेज. ओके, तो ये हमारा मैसेज कुछ ऐसे प्रिंट होके आ जाएगा, वेलकम टू सी लैंग्वेज. बट अगर हम इसकी स्क्रीन को होल्ड करवाना चाहते हैं तो प्रिंटिफ के बाद हमें गेट सी एच भी लगाना पड़ेगा. ठीक है, गेट सी एच, और ये बस. अब हम इसको जब रन कराएंगे तो एक स्क्रीन खुल के आएगी और जिसे हम कंसोल आउटपुट स्क्रीन कहते हैं, और उस पर लिख के आएगा वेलकम टू सी लैंग्वेज. ठीक है, तो हम अब इस छोटे से प्रोग्राम में जो भी चीज़ें यूज हुई हैं, जो भी एलिमेंट्स यूज हुए हैं, एलिमेंट्स का मतलब अगर हम एक लाइन में एलिमेंट्स की डेफिनेशन बोलें तो ईच एंड एवरी पार्ट या फिर ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द सी प्रोग्राम इज द एलिमेंट. ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं कि सबसे पहले हमने क्या यूज किया, हैज. तो हैज को क्या कहते हैं, हैज इज द प्री प्रोसेसर. ठीक है, प्री प्रोसेसर. फिर उसके बाद में जो हमने यूज किया इंक्लूड, इंक्लूड क्या होता है, इंक्लूड होता है हमारी एक डायरेक्टरी कहें तो फोल्डर. ठीक है, अब जो हमने यूज किए हैं एंगल ब्रैकेट, ये क्या करते हैं, ये हमारी मदद करते हैं जो हमारी इंक्लूड डायरेक्टरी है उसको फाइंड करने में, उसको ढूंढने में मदद करते हैं. ठीक है, उसको ढूंढने में मदद करते हैं किसके लिए, कौन सी फाइल के लिए, stdio.h फाइल के लिए. ठीक है, अब stdio.h जो फाइल है उसमें stdio.h इन सब का भी मतलब है. तो std का मतलब है स्टैंडर्ड, एंड i का मतलब है इनपुट, एंड o का मतलब है आउटपुट. ठीक है, और जो .h है वो हमारा एक्सटेंशन है हेडर फाइल का. ठीक है, जैसे हम .mp3 देखते हैं ना गाने के लिए, वैसे ही .h है हेडर फाइल के लिए. ठीक है, अब हमारा आ जाता है वर्डमैन, ये है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम. जब भी प्रोग्राम रन होगा तो यहाँ से स्टार्ट होगा. ठीक है, ऊपर की जितनी अभी तक हमने चीज़ें सीखी हैं ये प्री प्रोसेसिंग में आती हैं, यानी प्रोग्राम रन होने से पहले जो काम होते हैं वो ये सारी चीज़ें करती हैं. ठीक है, अब हम देखेंगे कि वर्डमैन और मैन में क्या अंतर है. ठीक है, वर्डमैन का मतलब अगर हमें कुछ भी रिटर्न नहीं कराना है, वर्ड का मतलब होता है इट रिटर्न्स द नल वैल्यू. ठीक है, नल, नॉट जीरो, नल और जीरो में थोड़ा अंतर समझ लिया आप, नल कुछ नहीं होता है लेकिन जीरो जीरो होता है, जीरो फिर एक यूनिट होती है. ठीक है, लेकिन नल कुछ भी नहीं होता है, तो हम वर्ड हमेशा कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, इसलिए हम वर्ड मैन लगाते हैं. अगर हम मैन लगा रहे हैं तो हमें इस प्रोग्राम के अंदर कुछ ना कुछ रिटर्न करवाना पड़ेगा. ठीक है, अब एक तो हम तीन चीज़ें यहाँ पे वर्ड मैन लगा सकते हैं. ठीक है, वर्ड मैन लगा सकते हैं, और एक लगा सकते हैं मैन, और एक लगा सकते हैं इंट मैन. तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है, देखिए जो वर्ड मैन है वो कुछ नहीं रिटर्न करेगा, हमने देख लिया है, लेकिन मैन
और int main दोनों ही return करेंगे integer value, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद जो printf function है, printf, this is the function, आगे हम पढ़ेंगे, अभी बस deeply नहीं, overview देख लेते हैं। printf function, printf की अगर full form पूछी जाए तो ये जो p है, ये print जो है, print तो है ही, लेकिन f का जो मतलब है, उसका मतलब है print format, ठीक है, यानी print with format, जैसे मतलब अगर हम welcome to c, अगर welcome और 2 के बीच में एक स्पेस दे रहे हैं तो एक ही स्पेस आउटपुट स्क्रीन पे आएगा, अगर हम दो स्पेस दे रहे हैं तो दो स्पेस आएंगे, इसका मतलब फॉर्मेट, जो फॉर्मेट हम इसके फंक्शन के अंदर दे रहे हैं वही फॉर्मेट हमें स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा, इसलिए हम इसको कहते हैं प्रिंट विद फॉर्मेट। अब जो हमारा एक आया है गेट सी एच, गेट सी एच क्या करता है, अगर हम जनरली पूछेंगे किसी भी जो मतलब ज़्यादा जिस स्टूडेंट को नहीं पता है तो वो यही कहेगा इट होल्ड्स दी स्क्रीन, और मैम ने भी अभी यही पहले कहा है कि स्क्रीन को होल्ड करने के लिए हम गेट सी एच लगा रहे हैं, लेकिन गेट सी एच फंक्शन एक्चुअली में करता क्या है कि ये एक करेक्टर लेता है, यूजर से एक करेक्टर लेता है जो कि स्क्रीन पे शो नहीं करता है विदाउट इकोइंग, इकोइंग मतलब शो नहीं करता है स्क्रीन पे, प्रिंट नहीं करता है, और विदाउट रिटर्न की, यानी गेट सी एच जो की लेगा उसके बाद ही वो की लेते ही आगे प्रोग्राम बढ़ जाएगा, मतलब दूसरी की कोई भी प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, और ये एक चीज़ रह गई हमारी कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट जब भी किसी फंक्शन के अंदर हम कोई भी डेफिनेशन लिखते हैं या फिर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिखते हैं या फिर एक से ज़्यादा ब्लॉक होते हैं, हम स्टेटमेंट के एक से ज़्यादा होते हैं तो हम कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं, यानी अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट है तो विदाउट कर्ली ब्रैकेट के हम आइडेंटेशन यूज करके हम उसको दे सकते हैं, लेकिन हमारे पास अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हैं तो हम कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं, हमें नीड होती है नहीं तो प्रोग्राम एरर दिखाएगा, ठीक है, नीड होती है, कंपलसरी है, ठीक है। तो आई होप ये छोटी सी वीडियो है आपको समझ आ गया होगा कि कैसे क्या फॉर्मेट होता है सी प्रोग्राम का, ठीक है, और ये छोटा सा एक प्रोग्राम है जो आपने फर्स्ट प्रोग्राम आज देखा है, तो हम इसको इसी वीडियो में इसका जो प्रैक्टिकल है वो भी देखेंगे। तो चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप ऐसी और भी वीडियोस देखते रहेंगे आगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं स्क्रीन पे। तो गाइज हमने स्ट्रक्चर ऑफ सी में जो भी फंक्शन या फिर जो भी एलिमेंट्स यूज होंगे वो हमने देख लिए हैं, उस नॉलेज ले ली है, तो यहाँ पे जस्ट हम एक प्रैक्टिकल करेंगे, यानी एक प्रोग्राम बनाएंगे छोटा सा, इसमें हम मैसेज कराएंगे वेलकम टू सी प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे हम मैसेज कमेंट में दे देते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सी, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज कुछ भी, ठीक है, एक हम लिया ताकि हम कभी ये प्रोग्राम खोलें तो याद रहे, ठीक है। तो यहाँ पे इंक्लूड एक फाइल इंक्लूड करेंगे जो studio.h है, ये हम पहले ही सब देख चुके हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक और फाइल इंक्लूड करेंगे जो है conio.h, और यहाँ पे जस्ट वर्ड में लगाएंगे, और इसके बाद में हम मैसेज दे देंगे प्रिंटिव में। तो यहाँ पे प्रिंटिव विद फॉर्मेट जो हमने देखा था, और यहाँ पे वेलकम सी लैंग्वेज, ठीक है, वेलकम टू सी लैंग्वेज, और यहाँ पे स्क्रीन को होल्ड कराने के लिए मैंने बताया था गेट सी एच यूज करेंगे, गेट सी एच लगा दिया, अगर इसको सेव करना है तो जस्ट यहाँ पे जाके सेव कर दिया, और सेव में कुछ भी वेल डॉट सी लगाना कंपनी है, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं तो सी प्लस प्लस में कर देगा बाई डिफॉल्ट है, तो जस्ट इसको रन कराएंगे तो ये मैसेज दे देगा वेलकम सी, ये डबल बार दे रहा है क्योंकि ये पहले का आउटपुट दे रहा है, तो यहाँ पे क्या है कि आउटपुट ये पहले का भी खा देता, तो यहाँ पे पहले का आउटपुट क्लियर करने के लिए CLR क्लियर SCR क्लियर स्क्रीन का यूज करेंगे, ताकि जो पहले का आउटपुट है वो क्लियर हो जाए, जो इस प्रोग्राम का आउटपुट है वो सिर्फ दिखाए, ठीक है। तो यहाँ पे वेलकम टू सी दिखा दिया, ठीक है, इस की को छोटा कर देते हैं। अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा थिंग ये कि
जो टर्बो सी है, जिस एनवायरनमेंट में हम काम कर रहे हैं, टर्बो सी एंड सी प्लस प्लस ये जो सॉफ्टवेयर है ये यूज करता है कंपाइलर, टर्बो सी कंपाइलर, दो कंपाइलर है हमारे पास, बोरलैंड एंड टर्बो सी, ये करता है टर्बो सी यूज। तो टर्बो सी क्या है कि अगर डॉट सी से इसका प्रोग्राम सेव कर दे रहे हैं तो ये बाय डिफॉल्ट ही दोनों फाइल को इंक्लूड कर देता है, कौन स्टूडियो डॉट एस। तो यानी हम ये दोनों फाइल हटा दे रहे हैं अभी ये प्रोग्राम रन करूंगा, ठीक है, देख लीजिए आप, ठीक है। तो वैसे आप यहाँ पे हमेशा जो दोनों ही जो हेडर फाइल है ये हमें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें ही हमेशा काम करें, आप दूसरे किसी सॉफ्टवेयर को आप दिक्कत हो जाए वहाँ पे आप लगाएंगे नहीं और रहेंगे कि भाई एरर कहाँ है, इसलिए वो है यहीं से बना के चलें कि भले ही वो बाय डिफ़ॉल्ट है लेकिन हमें अपलोड करानी है, ठीक है। फॉर वॉचिंग एंड फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल हेलो एजुकेटेड, और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए हैव अ गुड टाइम।